आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा गाल ब्लैडर। तो आज हम पढ़ेंगे गाल ब्लैडर के बारे में कि गाल ब्लैडर क्या होता है। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कुछ कमेंट आए हुए हैं ब्रेस्ट डिजीज के बारे में। कुछ दिनों से यही डिस्कस हो रहा है ब्रेस्ट डिजीज, तो उसी से रिलेटेड कमेंट आए हैं। तो उसमें कुछ बताना नहीं, क्योंकि उसमें कमेंट में पूछा गया है कि मेस्टेल्जिया के बारे में कि 6 मंथ से अगर मेस्टेल्जिया है उनको तो वो क्या करें, ये पूछा उन्होंने। तो आपने मेस्टेल्जिया वाली वीडियो देखा है, उसी पे कमेंट किया है आपने, तो आपको पता है उसमें क्या क्या मैंने बताया है, तो वो सारी चीज़ें आप करें। ओके, उसके बाद क्या है कि अगर फिर भी ठीक नहीं होता है, आपको रिलीफ नहीं मिलता है, उस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताया है कि मेस्टेल्जिया में आप ये चीज़ें करें तो आपको रिलीफ मिल सकता है, तो आपने अगर किया है और फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप डॉक्टर से दिखा लें एक बार कि क्या वो मेस्टेल्जिया ही है या कुछ और तो नहीं है। ओके, सिर्फ पेन हो रहा है तो आप उसको मेस्टेल्जिया का नाम नहीं दे सकते हैं, उसके लिए आपको चेकअप कराना होगा। ओके, तो ये हो गया। सेकेंड कमेंट में पूछा गया कि बिग एरियोला के बारे में बताइए। तो बिग बहुत ही रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज 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 बिग एरियोला के बारे में। तो बिग कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप क्लियर करिए कि उस क्वेश्चन में आपको जानना क्या है। ओके, तभी क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियरली मिल सकता है। ऐसे कुछ भी लिख देने से क्वेश्चन ही पता नहीं चल रहा कि क्या बताऊं मैं उसमें, तो कैसे आंसर दूं मैं। ओके, क्वेश्चन पूछिए, फिर उसका आंसर मिलेगा। तो ये तो रहा कमेंट के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो गाल ब्लैडर का टॉपिक है आज का हमारा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गाल ब्लैडर क्या होता है। गाल ब्लैडर होता है वो लीवर के निचले सतह पे लटकता रहता है, यानी कि लीवर के जस्ट बगल में, यानी कि लीवर के जस्ट पीछे, वो भी उसके नीचे की सतह पे, निचले सतह पे। जैसे कि ये यहाँ दिखा रही मैं कि जैसे कि ये लीवर हो गया आपका, इस तरह से लीवर हो गया, तो ऐसे नीचे की तरफ पे वो निचली सतह पे होता है। ओके, प्रीवियस क्लासेस में मैंने लीवर के बारे में बताया है, तो उसमें भी मैंने गाल ब्लैडर का जिक्र किया था। तो आपने नहीं देखा है वो लीवर का वीडियो, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना, फिर अच्छे से समझ में। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं गाल ब्लैडर का जो शेप होता है, ये बैग की तरह होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, या प्योर शेप कहते हैं, नाशपाती के शेप का होता है, जो ऐसे इस तरह से तो ऐसे शेप होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये डायग्राम है गाल ब्लैडर का, तो इसको मैं भी डिस्क्राइब करूंगी। गाल ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है, यानी कि उसकी जो स्टोरेज की क्षमता होती है, गाल ब्लैडर में पता है आपको कि बाइल्स स्टोर होते हैं, तो बाइल्स स्टोर होता है, तो बाइल्स स्टोर करने का जो उसका क्षमता होता है, उसकी कैपेसिटी जो होती है, वो 30 to 50 ml की होती है, 30 to 50 ml की होती है। 30 to 50 ml ये गाल ब्लैडर जो होता है ये बाइल का स्टोरेज कर सकता है। नेक्स्ट इसमें है, एंड इसकी गाल ब्लैडर की जो लेंथ होती है वो 7 to 10 cm होती है, 7 to 10 cm की, 7 to 10 cm होती है गाल ब्लैडर की लेंथ। कि गाल ब्लैडर के 3 parts होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है फंडस, सेकेंड होता है बॉडी, एंड थर्ड होता है नेक। नाम है गाल ब्लैडर का। गाल ब्लैडर, ये सारी डक्ट्स हैं गाल ब्लैडर, इसमें इतना ही है यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बलून जैसा जो दिख रहा है, ये गाल ब्लैडर। तो इसमें हम देख लेंगे कि ये ऊपर का जो पार्ट होगा ये हो जाएगा फंडस, ये बीच का जो पार्ट होगा ये हो जाएगा इसका बॉडी, एंड ये जो नैरो स्ट्रक्चर है इसका, नैरो पार्ट है, ये हो जाएगा इसका नेक। ओके, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे ये दिखाया गया कि गाल ब्लैडर है, एंड ये जो डक्ट्स हैं ये कटी हुई डक्ट्स नहीं होती, ये जाके ना लीवर में अटैच होती हैं पीछे, ये लीवर के जस्ट पीछे होता है, तो ये जाके ये डक्ट्स जो होते हैं वो लीवर में अटैच होती हैं, तो इसलिए ये है हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक से मीन्स है कि लीवर को हिपैटिक भी कहते हैं, तो इसलिए हिपैटिक डक्ट्स यहाँ पे है। नेक्स्ट यहाँ पे कि ये जो डक्ट जो गाल ब्लैडर को जा रही है ये है सिस्टिक डक्ट, एंड सेकेंड है ये जो डक्ट है ये है बाइल डक्ट, यानी कि इसके है बाइल डक्ट, तो इसी के थ्रू ऐसे बाइल्स आते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि कॉमन बाइल डक्ट, ये है कॉमन बाइल डक्ट, यानी कि यहाँ से ये एक ही नर्व है, तो यहाँ से ये जा रहा है बाइल, यहाँ पे ये ऐसे बट जाते हैं, मीन्स कि अलग अलग ग्रुप में ये चले जाते हैं, तो ये हो गया।
ओके, ब्लैडर एंड डक्ट्स की ये डायग्राम है। इसमें गॉल ब्लैडर के 3 लेयर्स होते हैं। इसमें फर्स्ट है आउटर लेयर, जिसको कि पेरिटोनियल लेयर भी कहते हैं। सेकंड है मस्कुलर लेयर एंड थर्ड है म्यूकोसल लेयर। तो ये 3 लेयर्स हैं गॉल ब्लैडर के। नेक्स्ट, तो गॉल ब्लैडर में जो ब्लड सप्लाई होता है वो सिस्टिक आर्टरी, जो कि हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच है, उसी से होता है ब्लड सप्लाई गॉल ब्लैडर में। तो नेक्स्ट इसमें कि नर्व सप्लाई कैसे होता है, तो नर्व सप्लाई होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स के थ्रू नर्व सप्लाई होता है गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट इसमें फंक्शन, कि फंक्शन क्या होता है गॉल ब्लैडर का, गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन है वो फर्स्ट है बाइल का स्टोरेज करना, एंड सेकेंड फंक्शन जो है वो है बाइल को कम करना, एंड गॉल ब्लैडर का थर्ड जो फंक्शन है वो है बाइल को गाढ़ा करना। तो ये फंक्शंस हैं गॉल ब्लैडर के। आज का जो टॉपिक था हमारा गॉल ब्लैडर वो कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।